स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपके लिए यूनिट वेट को कंप्लीट करा था, जिसमें हम लोगों ने उसकी सीक्वेंस वगैरह प्रॉपर देखा कि हमारा बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट, समर्स यूनिट वेट वगैरह जो भी रहता है, तो किस तरीके से कौन सी चीज़ बड़ी होती है, कौन सी कम होती है, तो ये सब हम लोगों ने डिस्कस करा। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को देख लीजिए, वो आपको प्लेलिस्ट में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट में आपको नीचे जाके मिल जाएगी। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आज हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर बढ़िया से हम लोग देखेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। तो आपको कन्फ्यूज़न रहता होगा कि कौन सी ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है अगर आपको, तो आज प्रॉपर मैं आपके यहाँ पर क्लियर करूँगा कि ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, कौन सी इनमें से बड़ी होती है, क्या होता है, तो वो प्रॉपर आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सारी वीडियोस देखने को मिलने वाली हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल तो आपको पता नहीं चलता कि वीडियो कब आई है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको बेल आइकन प्रेस कर देना है ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल को क्या करना है, चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में देखने वाले हैं। बेसिकली सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो इसको डिनोट किसके साथ करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि ऊपर मैं कुछ और लिखने वाला हूँ इसलिए मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ इसको। इसको हम लोग डिनोट किसके साथ करते हैं, तो किसके साथ डिनोट करते हैं इसको, जी। ठीक है, जनरली आपको अगर सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी देखने को मिलता है तो इसको आप जी के साथ करेंगे। अभी मैं बताऊंगा आपको जब इसकी टाइप्स बताता हूं, लेकिन अगर आप जनरल केस में बात करूं, किसी क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्या लिख रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख रखा है, क्लियर नहीं करा है कि मास स्पेसिफिक ग्रेविटी है या ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो आपको क्या करना है, उसको जी से डिनोट करना है। कौन सी माननी है आपको, मास ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी माननी है वहाँ पर। अब यहाँ पर बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी को क्या करते हैं हम, यहाँ पे दो चीज़ों में डिफाइन करा हुआ आगे अगर मैं बात करूँ तो इसकी क्लासिफिकेशन होती है दो टाइप्स में, तो वन बाय वन दोनों टाइप्स को देखेंगे। पहली कौन सी होती है ये अगर मैं बात करूँ, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और दूसरी कौन सी होती है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब यहाँ पे जो हमारी ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इसको किसके साथ डिनोट करते हैं, जी के साथ करते हैं, ठीक है। और ये हमारी मास स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इसको किसके साथ डिनोट करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं जी एम के साथ, किसके साथ, जी एम के साथ। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी कब बोलते हैं और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी कब बोलते हैं, इसके ऊपर आते हैं। तो जब हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जब हम लोग सॉलिड्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी की देखेंगे तब हम क्या बोलेंगे, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलेंगे, और जब हम सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे तब हम क्या बोलेंगे, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलेंगे। तो जो चीज़ मैंने यहाँ पर बोली है उसको मैं लिख देता हूँ, जब सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे, सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी जब क्या करेंगे हम लोग, जब सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे तब हम क्या बोलते हैं, उसको ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। लेंगे, लिख देता हूं मैं यहां पे। और यहां पे क्या होता है, जब क्या होता है यहाँ पे, जब सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे, ठीक है, जब सॉइल की
सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी लेंगे। जब हम लोग सॉलिड्स की बात करेंगे, ठीक है, सॉलिड की बात करेंगे तो कब तब कौन सी होगी हमारी ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, और जब हम लोग सॉइल की बात करेंगे तब कौन सी होगी हमारे पास मास स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा आता है सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी तो वो कौन सी लेनी है आपने, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी लेनी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, डिनोट इसको हम किसके साथ करते हैं, जी से। जनरली लिख लीजिए यहाँ पर, जनरली, जनरली कब, जब हमें यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, जब हमें क्वेश्चन में क्लियरिटी ना हो, सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी ले रखा हो, तब हम बात कर रहे होते हैं बेसिकली ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी की। मतलब किसकी ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात हो रही होती है, सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात हो रही होती है उस टाइम पे, ठीक है। अब वन बाई वन दोनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास कौन सी, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। किससे डिनोट होता है ये, जी से। बेसिकली ये क्या होता है, अगर मैं बात करूँ हमारा ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है, तो इसमें हम लोग क्या लेते हैं, बेसिकली रेशियो लेते हैं। किसकी रेशियो लेते हैं, बेटा सॉलिड की रेशियो लेते हैं। किसके साथ रेशियो लेते हैं, स्टैंडर्ड लिक्विड के साथ रेशियो लेते हैं। लेकिन उसमें एक, इसमें एक कंडीशन है हमारी। कंडीशन क्या है कि जितना जो हम लोग वेट लेने वाले हैं सॉलिड का, उसका जितना वॉल्यूम होगा ना सॉलिड का, उतना ही वॉल्यूम होना चाहिए हमारा किसका, जो हम लोग वेट लेने वाले हैं स्टैंडर्ड लिक्विड का। तो ये चीज़ आपको मैं अब लिखूंगा यहाँ पे पहले, फिर मैं आपको समझाऊंगा, तो फिर आपको बढ़िया से समझ आएगी। ऐसे मेरे बोलने से आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी, आप सोच रहे होंगे कि क्या चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड ऑफ गिवन वॉल्यूम टू द वेट ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड ऑफ सेम वॉल्यूम। अब क्या चीज मैंने यहां पे बोल दी यहां पे, अब आपको समझ आएगा। मैंने बोला रेशियो लेंगे किसकी, वेट ऑफ सॉलिड की, किसके साथ, वेट ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड के साथ। जी आ गया वेट ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। स्टैंडर्ड लिक्विड क्या होता है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ तो वाटर होता है, ठीक है। एक तो पता चल गया आपको कि जी में क्या लेने वाले हैं, वेट लेने वाले हैं किसका, सॉलिड का, और वेट लेने वाले हैं किसका, स्टैंडर्ड लिक्विड मतलब वाटर का। ये चीज़ आपको पता चल चुकी है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से ना आपके साथ क्या होने वाला है, यहाँ पे यहीं से एक चीज़ मैं आपको बोलने वाला हूँ, लेकिन जो वेट ऑफ सॉलिड लेने वाले हैं जिसका वॉल्यूम हमें पता है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम हमें पता है गिवन वॉल्यूम है, ठीक है, टू द वेट ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड ऑफ सेम वॉल्यूम, ठीक है। तो क्या चीज़ बोली यहाँ पे, ये सेम वॉल्यूम का वर्ड क्या हो गया, इसमें बोला मैंने जो वेट ऑफ सॉलिड लिया है ना हमने, जो उसका वॉल्यूम है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारे पास सॉइल है, ये हो गया हमारा सॉलिड, ये हो गया वाटर, और ये हो गई एयर। इसका वेट इस तरफ लिख लेते हैं, ये हो गया इसका वेट ऑफ सॉलिड, और ये हो गया इसका वॉल्यूम सॉलिड का, और ये इसका हो गया वेट ऑफ वाटर, ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये क्या चीज़ बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ यहाँ पे कि जो हमारा वेट होगा सॉलिड का, ठीक है, टू द वेट ऑफ द स्टैंडर्ड लिक्विड ऑफ सेम वॉल्यूम। यो हमारा, इसमें कंडीशन क्या हमारी आ रही है, यो हमारा वॉल्यूम होगा सॉलिड का,
ठीक है, यहाँ पे गिवन वॉल्यूम वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर के। ये कंडीशन आपको साथ में लेके चलनी है, यही यहाँ पे चीज बोली जा रही है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड ऑफ गिवन वॉल्यूम टू द वेट ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड ऑफ सेम वॉल्यूम। जितना हमारे सॉलिड का वॉल्यूम होगा उतना ही जो हमारा वाटर का वेट है, ठीक है, उसका भी हमारा क्या होगा, उतने ही सेम वॉल्यूम का हमें वेट लेना है किसका, वाटर का। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसके बराबर आना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर के, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता चल गई। अब इसी चीज़ को यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं कंटिन्यू करना चाहूँ तो मैंने क्या करा, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वेट ऑफ वाटर, इसको मल्टीप्लाई करा दिया मैंने किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के साथ, और डिवाइड भी करवा दिया। तो ये कट के वही वही रह जाएगा हमारे पास। इसको अगर कंटिन्यू करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे साथ में क्या होगा, मल्टीप्लाइकेशन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वेट ऑफ वाटर, ठीक है। अब इसको आगे अगर हम लोग देखते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारी टू स्पेसिफिक ग्रेविटी है, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड होता है। ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ और हमें पता चल गई, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को अभी मैंने आपको बताया कि किसके बराबर होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर होना चाहिए इस स्टेटमेंट से, क्योंकि वेट ऑफ सॉलिड ऑफ गिवन वॉल्यूम टू द वेट ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड ऑफ सेम वॉल्यूम। इसका मतलब यो सॉलिड का वॉल्यूम है वो किसके, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको क्या बोल सकता हूँ साथ में, बी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू डब्ल्यू। अब ये क्या है, वेट ऑफ वाटर है, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है। इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, ये जी इज़ इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इनटू, अब यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे वन डिवाइडेड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है, वन डिवाइडेड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब ये वन डिवाइडेड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर कैसे लिखा, अभी बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर क्या आ रहा था वहाँ पे हमारे पास, G इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर, यही आ रहा था ना, एक बार बैक करके देख लीजिए। ये तो सबको पता चल गया ना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की जगह पे मैंने वॉल्यूम ऑफ वाटर लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि ये चीज़ मैंने यहाँ पे बोल रखी है कि वेट ऑफ सॉलिड ऑफ गिवन वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम हमारे सॉलिड का है, ठीक है, उतना ही वॉल्यूम हमारा कितना किसका होना चाहिए, जो हमने स्टैंडर्ड लिक्विड रखा है उसका होना चाहिए। तो ये चीज़ दोनों आपस में बराबर है, इसलिए मैंने लिखा। अब मैं ये चीज़ आपको बताने वाला था, तो यो हमारे पास यहाँ पर गामा डब्ल्यू होता है, तो वो किसके बराबर होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर किसके बराबर होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, उल्टा लिख रखा है इन्होंने। तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसी चीज़ को उस तरफ ले चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर, यही हो जाएगा ना। इसकी मल्टीप्लाई सेट करा दी, इसकी मल्टीप्लाई सेट करवा दी, तो ये यहाँ पे चला गया वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ वाटर, तो ये किसके बराबर आ गया, वन बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, हमारा जी किसके बराबर आ जाएगा, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर, इस चीज़ के बराबर आ जाएगा। तो हमारी जो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो किसके बराबर होती है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो अगर इसको डेंसिटी के टर्म में लिखना हो तो ये क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ तो पढ़ ली यहाँ पे हम लोगों ने, कि हमारी ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी को पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं किसकी, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी की, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी।
मास स्पेसिफिक ग्रेविटी में अंदर क्या है इसमें, इसमें जब हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी को देखते हैं किसमें, जब हम लोग सॉइल में, सॉइल के जब सॉइल में हम लोग क्या करते हैं, हमारी अगर सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल सकते हैं, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल सकते हैं, या अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल सकते हैं। तो ये सारे इसी के नाम हैं, इन नाम्स को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। डिनोट किसे करते हैं, जीएम से करते हैं। तो डेफिनेशन इसकी भी लिखेंगे पहले यहाँ पे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सेम ही वैसे बन रही है यहाँ पे, सिर्फ सॉइल आ जाएगा। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ बेटा ऑफ सॉइल ऑफ गिवन वॉल्यूम टू द वेट ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड ऑफ सेम वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या चेंज होगा, सब सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, बेट ऑफ सॉइल आ गया यहाँ पे, ठीक है। और उसका जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर आ रहा है यहाँ पे, टू द बेट ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड ऑफ सेम वॉल्यूम। तो बात वहीं पे, यहाँ पे वही सेम है, क्या सेम बात हुई कि जीएम हमारा किसके बराबर आ रहा है, यहाँ पे बेट ऑफ सॉइल के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे डब्ल्यू क्या है, हमारा पूरा का पूरा सॉइल का वेट है, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ वाटर में किसका, यहाँ पे आ गया वेट ऑफ वाटर हमारा। लेकिन कंडीशन क्या आ रही है यहाँ पे, जो है यहाँ पे कंडीशन आ रही है, हमारा जो वॉल्यूम सॉइल का वॉल्यूम है वो किसके बराबर है, हमारा जो वॉल्यूम हमारा किसका, वाटर का है, ये कंडीशन आ रही है। तो इस कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है, कंडीशन क्या आ रही है यहाँ पे, बेट ऑफ सॉइल ऑफ गिवन वॉल्यूम टू द बेट ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड ऑफ सेम वॉल्यूम, ठीक है। जो सॉइल का हमारा वॉल्यूम है, तो सॉइल का वॉल्यूम क्या है हमारे पास, बी वॉल्यूम है, ठीक है। और ये हमारा स्टैंडर्ड लिक्विड है, तो स्टैंडर्ड लिक्विड क्या होता है हमारा यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ तो वाटर होता है। तो वाटर का जो वॉल्यूम होगा वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बी किसके बराबर होगा, बी डब्ल्यू के बराबर होगा। तो यहीं पे अगर हम लोग इसका फॉर्मूला फाइंड करने की कोशिश करें तो क्या आ जाएगा, सेम वही चीज़ करेंगे, डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू, वॉल्यूम के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास, वेट बाई वॉल्यूम आ जाएगा एक, और ए क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वेट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे ये अगर हमें बात करता हूँ, वेट बाई वॉल्यूम क्या होता है, यहाँ पे बेड किसका है, सॉइल का है। अब सॉइल किस कंडीशन में, एग्जिस्टिंग कंडीशन में है, ठीक है। ड्राई भी हो सकती है, वेट हो सकती है, ह्यूमिड हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, बल्क यूनिट वेट आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं गामा, ठीक है। बल्क यूनिट वेट आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे बी किसके बराबर है, बी डब्ल्यू के बराबर है यहाँ पे, इंटू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू डब्ल्यू। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जी एम क्या निकल के आ जाएगा, जी एम की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी, यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई कौन सा वाटर है यहाँ पे, बेटा वाटर। यहाँ पे आपको पता चल गया कि क्या आ जाएगा, अभी ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हमारा ये किसके बराबर आ जाएगा, यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट डिवाइडेड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब ये चीज़ कैसे आई है, इसके लिए भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वैसे ये चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे होंगे जो बोलेंगे कि बताया है यहाँ पे फिर से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यूनिट वेट ऑफ वाटर किसके बराबर होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर, फिर से पूरा खोल के लिख रहा हूँ इस बार, वॉल्यूम ऑफ वाटर, अगर किसी को समझ नहीं आया होगा तो अब समझ आ जाएगा, वेट ऑफ वाटर। अब मैं इसको उस तरफ लेके जाऊँगा अगर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर। ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर। वही करा हुआ यहाँ पे,
जब वन इसकी जगह पे क्या करा, ये वाली बिट वैल्यू वैल्यू डाल दी, इसको मल्टीप्लाई करा तो ऊपर क्या आ गया, यूनिट वेट आ गया, गामा डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दो वैल्यू है हमारे पास, जे एच जी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जी एम में। अब आपको बताना है इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, ठीक है। जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर। किसी भी चीज़ को बताने के लिए उनका कोई ना कोई पैरामीटर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर हम किसी पैरामीटर को दोनों को सेम रख, किसी एक पैरामीटर को सेम रखेंगे तभी तो बताएं बात बता पाएंगे ना, नहीं तो कैसे बताएंगे। तो यूनिट वेट ऑफ वाटर, अब आपको यहाँ पे पता है कि ये यूनिट वेट ऑफ वाटर है, इसी से ये दोनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे, ये वाला जो पैरामीटर है ये क्या है, दोनों के लिए क्या है, सेम है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बीच में, ये क्या है, सेम है। अब इन दोनों में से जो बड़ा होगा ना, आपको देखना है इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, जो बड़ा होगा उसी का पैरामीटर बड़ा होगा। तो अब आप मुझे ये बताइए कि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड बड़ा होता है या यूनिट वेट, या ये वाला हमारे पास बल्क यूनिट वेट बड़ा होता है। ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है, बड़े अच्छे तरीके से बता रखी है, ये भी नहीं, क्योंकि इसी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनी है आपके लिए जिसमें मैंने ये चीज़ सब आपको बता रखी है। तो अब आपको मुझे बताना है कि कौन सा इनमें से बड़ा होगा। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था आपको कि जो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड होता है वो बड़ा होता है किससे, बल्क यूनिट वेट से, ठीक है। बेसिकली बल्क यूनिट वेट से क्या, यूनिट वेट सैचुरेटेड यूनिट वेट से भी हमारा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड बड़ा होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ मैंने पिछले लेक्चर में बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखी है। अगर किसी को नहीं पता है क्यों बड़ा होता है तो वहाँ पर जाके देख सकता है। अब अगर यूनिट वेट ऑफ सॉलिड बड़ा है बल्क यूनिट वेट से, दोनों सेम चीज़ से डिवाइड हो रहे हैं, सेम चीज़ का मतलब मान लो ये चीज़ हमारे पास क्या है, बड़ी आई, ये चीज़ बड़ी आ रही है निकल के, ये छोटी आ रही है। बड़ी का मतलब मान लो ये कितनी निकल के आती है, 10 निकल के आती है। मैं मान लिया मैंने कि ये हमारी वैल्यू जो है यूनिट वेट सॉलिड की, ये 10 है और ये वाली वैल्यू कितनी है, ये 8 है। डिवाइड दोनों क्या सेम चीज़ से हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं, 2 से। तो कौन सी बड़ी निकल के आएगी, देख लो, खुद देख लो, 5 और ये 4। तो बड़ी कौन सी निकल के आएगी, जी हमेशा बड़ा निकल गया। क्यों बड़ा निकल के आएगा, क्योंकि डिवाइड सेम चीज से हो रहे हैं लेकिन यूनिट वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है, बड़ा होता है किसे, बल्क यूनिट वेट से। तो यहाँ से एक कंक्लूजन हमारे पास क्या निकल के जाता है, कंक्लूजन निकल के आता है हमारे पास ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये हमारी क्या होती है, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो क्या होती है, ग्रेटर होती है, ठीक है। क्या होती है, बड़ी होती है। ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ग्रेटर, ग्रेटर होती है किससे, ग्रेटर देन होती है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी से। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी से ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब ये दोनों चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता था। अब ये कितनी बड़ी होती है, एक तो हो गया हमारे पास जे, तो ये कितनी बड़ी होती है ये चीज़ हम देखेंगे इस स्लाइड में। तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया, पहले हमें ये पता चला कि जी हमारा क्या होगा, बड़ा होगा किससे, जी एम से। अब जी जी एम से कितना बड़ा होता है, तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जी एम इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई 1+E। अब 1+E, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इस फॉर्मूला से आपके बहुत सारे क्या बनते हैं, MCQs बनते हैं। ये फॉर्मूला आपको क्या है, हमेशा याद रखना है। कब तक याद रखना है, जब तक आप जी रहे हैं तब तक तो याद रखना है एटलीस्ट, उसके बाद का मैं कह नहीं सकता। जब तक हम लोग क्या हैं, जिंदा हैं, तब तक ये हमें फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जी क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन एन जी एम से। अब मैं इस फॉर्मूले से भी आपको बता सकता हूँ कैसे। यहाँ पे देखो, जी की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जी क्या है, बड़ा है हमारा किससे, जी एम से। तो जी एम क्या आ रहा है हमारे पास निकल गए, जी एम इंटू 1+E इज इक्वल टू जी, ठीक है।
तो जी इज इक्वल टू जी एम, इसको मल्टीप्लाई करा तो जी एम प्लस जी एम इंटू ई। ठीक है, अब अगर कोई बंदा आपको पूछता है, क्या पूछता है कि कितना बड़ा है, ठीक है, जी 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 एम से कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, ऐसे ही होता है। अब देख लीजिएगा, ऐसे होता है कि ऐसे होता है, शायद ऐसे होता है, बड़ा है। तो ये हिंदी मेरी इतनी बढ़िया नहीं है, तो कितना बड़ा है आप बोल सकते हो जी एम इंटू ई टाइम्स, इतना इससे ज़्यादा है। ठीक, आप देख सकते हो यहाँ पे जी इज इक्वल टू जी एम, जी एम जो जी है हमारा, जी एम में कौन सी वैल्यू ऐड हो रही है, ये वाली चीज़ ऐड हो रही है, तो जी जी एम से कितना बड़ा है, जी एम इंटू ई, इतना इससे बड़ा है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे क्या पता चला कि जी क्या होता है, बड़ा होता है हमारा जी एम से, और जी एम किसके बराबर होता है, जी डिवाइडेड बाई वन प्लस ई के बराबर होता है। और ये चीज़ हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ये आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी को, इसको भी बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह हैं तो उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉइल की, उसको डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। आज की वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइज़।